नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और मैंने टॉपिक चुना है लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि भारत में लाइफ इंश्योरेंस करना वर्चुअली जरूरत है। आजकल आप एक एडवर्टीजमेंट देखते होंगे जिसमें वाइफ कोस रही है मरे हुए हस्बैंड के बारे में कि उसने तो लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं कराया। तो इन्हीं में लाइफ इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ एवरी प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, और लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराइए। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे रूल्स जिसके थ्रू एग्जेम्पशन मिलता था लाइफ इंश्योरेंस को, उसमें सर्टेन चेंजेस लाया गया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम और लास्ट बजट में भी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हो सकता है आप गलती से इंश्योरेंस एजेंट के, जो वो भी अनअवेयर होगा इन रूल्स का, या वो उतना ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि उनका काम आपको लाइफ इंश्योरेंस बेचना है पॉलिसी को, उनको कमीशन उसी पे मिलता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। अदरवाइज लाइफ इंश्योरेंस में जो आपको पैसा मिलने का आप सोचते हैं वो हो सकता है कि टैक्सेबल हो जाए। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कब लाइफ इंश्योरेंस का रिसिप्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। याद रखिए, ये टैक्सेबिलिटी पर टीडीएस हो जाएगा। तो आप बताएं ना बताएं, लाइफ इंश्योरेंस वाले आपके पैसा काट लेंगे अगर रूल होता है तब। तो आज मैं रूल, ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रूल क्या है। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 10-10D है, उसमें ये लाइफ इंश्योरेंस का रिसिप्ट को एग्जेम्प्ट किया गया था, ऐसा प्रावधान है। इसी प्रोविजंस में समय समय पर चेंज लाया गया। तो पहला चेंज लाया गया था कि कोई भी पॉलिसी जो 2003 से और 31 मार्च 2012 के बीच में इश्यू हुई, उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर प्रीमियम एक वर्ष में 20% ऑफ टोटल सम एश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी अगर उससे ज्यादा होगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने बताया कि कोई भी पॉलिसी जो 2003 के बाद इशू हुई है और 31 मार्च 2012 के पहले इशू हुई है, उसमें अगर प्रीमियम एक वर्ष का प्रीमियम 20% ऑफ टोटल सम एश्योर्ड है उससे ज्यादा है, तो वो जो भी रिसिप्ट आपको आपके लाइफ टाइम में मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाए। 1 अप्रैल 2012 के बाद वो लिमिट को 10% कर दिया गया। मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2012 के बाद जो भी पॉलिसी इशू हुई है, इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें अगर 1 साल का प्रीमियम उसके कैपिटल सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा है तो आपका रिसिप्ट टैक्सेबल है। ये दो रूल हुआ। इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शंस है कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु पर अगर कोई इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है तो वो हमेशा एग्जम्प्ट है, उसमें कभी टैक्स नहीं हो सकता। ये एक अपवाद है, ये रूल नहीं लगेगा मृत्यु के बाद मिलने वाला पैसा पर। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है, डिसेबल है, और वो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80U और 80DD के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसके केस में वो 10% के जगह पर 15% होगा। मतलब यह है कि अगर कोई डिसेबल पर्सन एक पॉलिसी को लेता है अपने लाइफ में और वो उन 80U और 80DD के कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उस पर्सन का पॉलिसी पे 15% तक वो 1 साल में प्रीमियम पेमेंट कर सकता है और उसका रिसिप्ट तब भी टैक्स फ्री होगा। 15% से ज्यादा होने पर दूसरे लोगों के लिए 10% है। अब तीसरा इसका एक अपवाद है कि इस सारे पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक तरह की पॉलिसी नहीं आती थी, वो था यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप के नाम से फेमस है ये।
1 फरवरी 2021 से, इसमें भी इसके लॉ में भी चेंज लाया गया कि 1 फरवरी 2021 के बाद में कोई भी यूनिट पॉलिसी अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशू करता है और उसका एक साल का प्रीमियम 2.5 लाख रुपया से ज्यादा है तो उसमें भी टैक्स फ्री स्टेटस खत्म हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। याद रखिए, अगर यूनिट पॉलिसी आपने 1 फरवरी 2021 के बाद लिया है और किसी भी साल 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम उस पॉलिसी पे दिया है तो वो टैक्स फ्री नहीं होगा। अब लास्ट पिछले बजट में ये लाया गया कि कोई भी पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2023 के बाद में इशू होती है उसमें अगर एक वर्ष का प्रीमियम 5 लाख रुपया से ज्यादा है तो वो भी टैक्स फ्री नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि आज के दिन में ये दोनों लॉ एक साथ है कि कोई भी पॉलिसी जो इशू हुआ है, ये आज के दिन का बात कर रहा हूं, उसमें अगर वो 10% ऑफ टोटल सम एश्योर्ड को क्रॉस कर जाता है या 5 लाख रुपए से ज्यादा उसका प्रीमियम है, दोनों ही केस में वो टैक्सेबल होगा। तो दोस्तों, जब अगली बार आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से बात करें तो इस पर जरूर चर्चा करें, इन रूल्स के ऊपर। ये हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट भी नहीं जानता इस टैक्स रूल्स को, और या ये हो सकता है कि वो जानता भी है तो उसको उतना जोर नहीं देता है क्योंकि उसका काम वो है नहीं, उसका काम इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचना है। मगर आप अपना पैसा बचा सकते हैं, तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।